मैन वेलकम वंस अगेन टू आवर YouTube चैनल एजुकेशनल हाइक्स। कोड नंबर 3111 और सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं हम सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप को लेकर। और इस सेट इस पर्टिकुलर कोड के 31 और 1 जिनका कोड होगा उनके सारे सेट्स, ठीक है, उनके सारे सेट्स के क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे, बट क्वेश्चन नंबर चेंज रहेगा तो अपना मैच कर लेना। सीधा वीडियो के आंसर तक चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हिंदी में दिया गया है, हिंदी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। और पहला क्वेश्चन है इसमें कि नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का एग्जांपल देना था आपको, साइक्लोपेंटेन है, एक एग्जांपल नहीं है ये, एक्चुअली अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, साइक्लोपेंटेन इसका करेक्ट आंसर है। आप और भी कोई अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का नाम लिख सकते थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ कॉइल इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, नेम द अंडरलाइंग फेनोमेना। इसके अंदर जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट में जो फेनोमेना काम करता है वो कौन सा है। तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, EMI इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3A, 3D, 3 और 4A और 4D, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना था, ये पैराग्राफ ध्यान देना, ये ग्रोइंग साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन वाला पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, लिस्ट टू कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स जब मैच्योर होने लगती हैं तो उनके अंदर कौन से दो साइंस कॉमन होते हैं, मतलब जो बॉयज और गर्ल्स में दोनों में आते हैं। तो एग्जैक्ट सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर दिया गया है या तो प्यूबिक हेयर और एक्ने इसका दो है, और आप वॉइस डीपनिंग भी होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में सेम होते हैं मैचुरेशन पीरियड में। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फोइटीसाइड, मतलब अगर जो हमारी फीमेल फोइटीसाइड, अगर जो बेबी जो गर्ल चाइल्ड है अगर उनका बॉर्न रेट जो है, जो बर्थ रेट है वो अगर कम हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क क्या पड़ेगा, सेक्स रेशियो विल बी डिस्टर्ब, हमारा सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, और दूसरा सेक्सुअल वॉयलेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दो रीजन हमने दे दिए हैं, इसमें एक ही पूछा था वैसे तो। चलो, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, कौन से मेथड से हमारे हार्मोनल बैलेंस चेंज होता है हमारे बॉडी का। तो वो मेथड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसको हम द पिल भी कहते हैं, कंबाइंड पिल कहते हैं, मिनी पिल कहते हैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे डी, राइट टू फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बर्थ रेट। सही बात है ना, कि पॉपुलेशन कैसे किस फैक्टर पर बेस करेगी, जितना पैदा होगा वही, मतलब जितने लोग पैदा होंगे वही तो हमारे बर्थ रेट पर, हमारे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पर इफेक्ट डालेगा। और माइग्रेशन भी, अगर उस जगह से कई लोग माइग्रेट हो जाते हैं तो उससे भी अफेक्टेड होगा हमारा पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ से लोग चले गए हैं। तो आने और जाने यही दो फैक्टर होता है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं, और फिर से हमारा हिंदी में है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये वाला, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ऑफ विच वाटर इज द मेन कंपोनेंट, ये वाला है, आप इसे पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फाउंड इन ह्यूमन बींग, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ जो पेस्टिसाइड्स होता है, जो हम अपने पौधों पर थोड़ा सा और उनमें न्यूट्रिएंट्स डालने के लिए एक्सटर्नल पेस्टिसाइड सप्लाई करते हैं, वो ह्यूमंस के बॉडी में, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में ज़्यादा क्यों पाया जाता है। सिंपल सी बात है, अंडरलाइन भी कर दिया है मैंने, कि द फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, हम पता है कि हम जो हमारा खाना होता है वो ज़्यादातर प्लांट्स से आता है, ठीक है, और प्लांट्स में हम क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो यही रीज़न है। चलते हैं, बी वाला है कि गिव वन मेथड, कोई हमें एक मेथड बताना है जिससे क्या कर सके, हम रिड्यूस कर सके आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी में जाता है इसको कम करने का कोई तरीका बताना था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए ना भाई, मैन्योर का यूज़ करिए, पेस्टिसाइड्स नहीं जाएगा बॉडी में। आगे सी, वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन रिप्रेजेंट, हमारे फूड चेन में जो वेरियस स्टेप्स होते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। डी, विथ रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन अ इकोसिस्टम, मैन इज अ, मतलब फूड चेन्स, जो फूड चेन होता है हमारा इकोसिस्टम में, उसमें इंसान क्या है। तो इंसान हमारा कंज्यूमर है, इंसान हमारा प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों है, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट्स को भी खाता है और मीट और फिशेस को भी खाता है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस लेक्ड लाइम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इस, हम इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, आप जानते हो जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से तो बहुत एनॉर्मस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों हम कह सकते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है, ए एंड बी, ये हमारा करेक्ट होगा। चलो आगे हम चलते हैं, फिर से हमारे हिंदी वाला आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो हमें पता है
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैटायंस और एनायंस क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो बी वाला तो सही ही है। प्रिसिपिटेट भी फॉर्म होता है जब हमारा सोडियम सल्फेट सोल्यूशन और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है, तो बी और सी तो सही है। अब इतना अगर आपको पता चल गया बी और सी सही है, तो बी और सी साथ में केवल डी वाले रिएक्शन में है, तो डी वाले ऑप्शन में है, तो हम अपना डी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेकिंग सोडा किसका किसका मिक्सर होता है, तो मैं आपको बता दूं, बेकिंग सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का मिक्सचर होता है, तब ना सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है ना, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। चलो आठवां हमारा आता है कि केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला आपको बताना है, तो याद होना चाहिए आपको CaSO4 ½ H2O, सी वाला हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस लिए ट्रू है, किस चीज के लिए ट्रू है, केवल प्लेन मिरर के लिए, केवल कन्वेक्स मिरर के लिए, या केवल कनकेव मिरर के लिए, या सभी के लिए? तो आपको पता है कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, I=R, ठीक है। तो I=R हमारा अगर कोई भी मिरर है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे उसकी शेप साइज कैसी भी हो, ठीक है, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, सबके लिए हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है, तो ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ट्रू होगा। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट के समय इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में क्या हो जाता है, कंटिन्यूसली फ्लो होता है, या चेंज नहीं होता, या सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाता है, या इंक्रीज हो जाता है? तो शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाता है, जब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे वायर में, जब वायर का प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, तभी तो शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो 11th क्वेश्चन पर चलते हैं हम, फिर से हिंदी। 11th क्वेश्चन मुझे दिखानी यार, क्या था इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो क्या आप मुझे इसका पेपर, हाँ आप मुझे इसका पेपर PP Pandey 0720@gmail.com, फिर से सुन लो, PP Pandey 0720@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन के, जितने भी क्वेश्चन आए थे सेट में, जितने भी सेट्स हैं, उन सबके MCQs प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो ये 11th वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट आंसर था, क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे कि इनकम्प्लीट कम्बस्चन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम का जो इनकम्प्लीट कम्बस्चन अगर हम कराया जाए, तो इससे क्या होगा, क्या पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्या मशीन की इफिशियंसी बढ़ेगी, क्या ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, या पॉइजनस गैसेस, जहरीले गैसेस प्रोड्यूस होंगे? तो आपको पता है जब कम्बस्चन होता है कोल एंड पेट्रोलियम का, वो भी इनकम्प्लीट, तो हमारा एयर पॉल्यूशन और पॉइजनस गैसेस ही दो ही चीज़ हो सकते हैं, यही दो होता है, क्योंकि मशीन की इफिशियंसी तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग कम तो होगी नहीं, क्योंकि जब पॉइजनस गैसेस इमिट करेगा तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो हमारा ए और डी करेक्ट ऑप्शन है, मतलब डी वाला हमारा सही है। चलो असर्शन रीजन टाइप आ गया है हमारा इसमें, क्वेश्चन में 13 और 14 है। वन लेबल्ड असर्शन ए एंड अदर रीजन आर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। चलो असर्शन क्या है देख लेते हैं। स्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, स्टेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, चलो सही बात है। तो दूसरा है रीजन इसका क्या है, कि जब ईस्टर रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो अल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होती है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। और नीचे वाले रीजन को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं और ऊपर वाले को स्टेरिफिकेशन कहते हैं, तो अलग है कि नहीं? तो बोथ ए एंड आर करेक्ट है, लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस आंसर की को करने में, आपका आंसर्स करेक्ट होंगे आई विश। और अगर आपको और भी आंसर्स चाहिए तो प्लीज मुझे सेट मेल करो, मैं मेल आईडी नीचे डाल दे रहा हूं, PP Pandey 0720@gmail.com। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।